हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो आज के वीडियो में हम हमारा चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है उसे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक्टिविटी 1.1 तक कैसे कंप्लीट किया था, आज हम देखेंगे एक्टिविटी 1.2। सो एक्टिविटी 1.2 सेज दैट टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है जिसे हम डिनोट करते हैं PbNO3 से, ठीक है। Then add potassium iodide solution to this. हमें इसके अंदर potassium iodide solution को है add कर देना है, potassium iodide। अब potassium का symbol K है and iodide को हम I से denote करते हैं, so PbNO3 plus KI। so इसे जब हम add करेंगे so ये क्या बनेगा, what do you observe? हमें observe करके बताना है कि क्या जो है हमारे पास आएगा। so हमारे पास आएगा के पीबी और आई ये एक कंपाउंड बना लेंगे। लेट्स पीबी ए कंपाउंड है, NO3 बी है, के सी है एंड आई डी है, मतलब ए बी सी डी ये चार कंपाउंड है। ए और बी एक कंपाउंड है, सी और डी अलग कंपाउंड है, ठीक है। सो ए बी से हटके ए डी के साथ कंपाउंड बना लेता है और बी ए से हटके सी के साथ कंपाउंड बना लेता है, यानी ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ए डी के साथ करेगा तो आएगा पी बी आई एंड प्लस के एनओ थ्री। हमें ये मिला कि हमारे पास लीड आयोडाइड सॉल्यूशन और प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हमारे पास बनके आया है। सो एक्टिविटी 1.2 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी 1.3 जिसका फिगर भी हमें दे रखा है। सो टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुल्स इन ए कॉनिकल फ्लैश और टेस्ट ट्यूब। मतलब हमें कोई कॉनिकल फ्लैश की यानी कोई बोतल कोन की शेप की या फिर कोई टेस्ट ट्यूब भी दे सकते हैं हम, उसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, वो डालने हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने ये जिंक ग्रैनुल्स ये डाल दिए, ठीक है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। हमें जब ये जिंक ग्रैनुल्स किए हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर मिला लेना है। हाइड्रोक्लोरिक की जगह हम सल्फ्यूरिक एसिड का भी यहाँ पे यूज कर दे सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स। क्या तुमने जो ये जिंक के टुकड़े लिए थे इसके आसपास कुछ मतलब मूवमेंट होता है, नजर आ रहा है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर अ चेंज इन इट्स टेंपरेचर। अभी जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी या फिर कोई कॉनिकल फ्लैश, हमने उसको जो नीचे से थोड़ा टच करना है, हमें फिर ये देखना है कि जो इसका टेम्परेचर है अंदर का और बाहर का उसमें कोई चेंज आया कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे ये फिगर दे रखी है, देखिए इसमें हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, इसके बाद इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, ये हमारे है टेस्ट ट्यूब। इसके बाद इसने यहाँ पे एक ये रबर स्ट्रोक लगाया और इसमें से एक पाइप को अंदर और बाहर जो है पास कर दिया, ठीक है। ये जो कोर्क है ये प्लास्टिक रबर और जो वुडन किसी भी चीज का हो सकता है, ये ग्लास ट्यूब है। यहाँ से जब हम जिंक ग्रैनुल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे सो यहाँ जो ये ग्लास ट्यूब है इसमें से जो H2 गैस है ना वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सो हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इसमें से बाहर निकल गई है, ठीक है। सो ये थी एक्टिविटी 1.3। नेक्स्ट है, फ्रॉम द अबोव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। मतलब हमने अभी तक 1.1, 1.2 एंड 1.3 ये तीन एक्टिविटी करी है। कहता है कि इन एक्टिविटीज करने से हमें पता चलता है कि जो नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं चार पॉइंट्स हैं इनके बेस पे हम देख सकते हैं कि किस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन ने टेक प्लेस किया है। सो फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, देन चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर।
के होते हैं, एक होता है सॉलिड जिसे हम एस से बिलोंग करते हैं, देन लिक्विड उसे हम एन से बिलोंग करते हैं, लिक्विड गैस, गैस को हम जी से, एंड एक्वस, एक्वस को हम ए के उसे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेट में अगर पहले सॉलिड स्टेट है देन फिर गैस हो गया या लिक्विड हो गया, एक्वस हो गया, तो वहां पे भी हमारे जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। ठीक है, चेंज इन कलर, अगर हमारे जो है हमने कोई कंपाउंड लिया था उसका कलर पहले अलग है और बाद में अलग हो जाता है, सो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, सो उससे भी यह केमिकल रिएक्शन का टेक प्लेस होता है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो भी केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया। ठीक है, नेक्स्ट है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अगर हम पूरी जो है हमारे आसपास की जो एटमॉस्फेयर को देखें तो हम कह सकते हैं कि मैनी ऑफ द बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन आसपास जो है टेक प्लेस कर रही है। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो है वेरियस केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप को बारे में रीड करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन केमिकल डेफिनेशन देखी थी, ये 1.1 है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है देखिए मैं बताता हूँ। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी अगर हमने केमिकल रिएक्शन ली है सो उसे हम सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, सो वो हमारी केमिकल इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग। हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जो है जल जाता है, सो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर इसे हम सेंटेंस में लिखेंगे तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज राइट इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। इसे छोटा बनाने के लिए हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में लिखिए। सो इसके लिए वर्ड इक्वेशन होगी, हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था। अब मैग्नीशियम को जलाने पर उसने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाया। तो इसे हम इस तरह से एक शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, मतलब जो जिसने रिएक्ट किया था ये दोनों, यानी हम कह सकते हैं कि एरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट, हम जो एरो से राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट जो भी सब्सटेंस है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस करो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट अगर वो एक से ज्यादा है तो उनके बीच में ये साइन हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को मिलाने के लिए। सेम अगर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है तो उसके बीच में भी हम ये साइन जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द एरो एट पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, सेम वही चीज जिसने बताई है। अब राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखे, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस। हमने अब ये जो है छोटा फॉर्म बनाई है, क्या इससे भी छोटा हम बना सकते हैं, सो हाँ, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसिस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अभी हमने यहाँ पे पूरे जो वर्ड्स यूज किए हैं अगर इनकी जगह हम इनके सिंबल्स यूज करें तो इसे और भी छोटा और यूजफुल बना सकते हैं इसके फॉर्मूला का यूज करके। A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxygen, the above word equation can be written as, अगर हमें magnesium oxygen और magnesium oxygen का जो है formula पता है, तो हम इसे छोटा भी और लिख सकते हैं। Magnesium का symbol या formula Mg plus oxygen का होता है O, तो ये बना देता है MgO। ठीक है,
हो गया। और काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो इज देयर। अभी हमें जो है एरो के इस साइड और इस साइड दोनों तरफ जो है एलिमेंट्स के एटम का नंबर जो है काउंट करना है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड? क्या एरो के इस साइड और इस साइड जो एटम के नंबर सेम है? इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अभी इसके बाद हमारे पास एक और होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर एरो से इस साइड और इस साइड एटम के नंबर सेम है तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड होगी क्योंकि मास नंबर दोनों तरफ सेम नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। सबसे केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो इसे हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फॉर अ रिएक्शन इक्वेशन इज ए इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अभी हमने ये देखी है, ये ली थी, ये है एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्योंकि आप देखिए Mg मैग्नीशियम के एटम का नंबर कितना है? एक। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना है? दो, ठीक है। तो दो और एक हो गए यहाँ पे तीन, ठीक है। मैग्नीशियम का है यहाँ पे एक, ऑक्सीजन का भी एक और एक हो गए दो, तो इधर एक ज्यादा है। सो अगर हम यहाँ पे टू लगा दे तो यहाँ पे टू होगा, टू पहले था और टू ये फोर, टू यहाँ पे है और अगर टू यहाँ पे लगा दू तो मैं फोर, तब इक्वल होगा जाके, तब ये बैलेंस होगी। अदरवाइज ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोली जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।